ब्लेंडिंग लाइन, लैप कर्व, उसी से आपको राइट कर्व बनाना है। ऊपर स्लीपिंग लाइन, द द से डमरू, द से डलिया, द से डंडा। आओ हम इसे वापस से दोहराएं। अच्छा बच्चों, आप सभी ने अंग वर्ण सीखा था, हमें वैसा ही बनाना है ये वर्ण। पर आपने अंग वर्ण में बिंदु लगाया था, बट हमें इसमें बिंदु नहीं लगाना है। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर, राइट कर, पर से स्लीपिंग लाइन, द। अच्छा बच्चों देखो, लगा है ना आपको मैंने अंग जैसा बनाया है। बस अंग में क्या लगाते हैं, हम पास में बिंदु लगाते हैं, पर हमें इसमें यहाँ बिंदु नहीं लगाना है। वापस से देखिए, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर, उसी से आपको राइट कर लेना है। ऊपर से स्लीपिंग लाइन, द। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर, उसी से आपको राइट कर लेना है। ऊपर स्लीपिंग लाइन, द। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर, उसी से आपको राइट कर्व बनाना है। ऊपर स्लीपिंग लाइन, द। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर, उसी से आपको राइट कर्व बनाना है। ऊपर से स्लीपिंग लाइन, द।